हमारी सनातन संस्कृति मनुष्य मात्र को ही नहीं अखिल ब्रह्मांड को ईश्वर का विराट स्वरूप मानती है। इस विराट स्वरूप में ईश्वर सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सनातन का अर्थ है वह जो अग्नि जल अस्त्र शस्त्र से नष्ट न किया जा सके, जो प्रत्येक जीव निर्जीव में विद्यमान है। सारे विश्व में केवल हमारी संस्कृति ही है जो एक व्यक्ति को परिवार से, परिवार को समाज से और समाज को विश्व से जोड़कर एक परिवार के रूप में देखती है। हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी परिष्कृत एवं व्यापक हैं कि हमारे प्रत्येक कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण स्वयं सिद्ध है। हमारे यहाँ प्रमुख पर्वतों को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। गाय, कुत्ता, चूहा, हाथी, शेर और यहाँ तक कि विषधर नागराज को भी पूजनीय बताया है। पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। चींटियों को आटा डालते हैं। चिड़ियों और कौवों के लिए घर के मुंडेर पर दाना पानी रखा जाता है। देवों के देव महादेव तो बिल्वपत्र और धतूरे से प्रसन्न होते हैं। वट पूर्णिमा और आंवला ग्यारस का पर्व मनाया जाता है। माँ सरस्वती को पीले पुष्प, धन संपदा की देवी लक्ष्मी को कमल और गुलाब के पुष्प अति प्रिय हैं। गणेश जी दूर्वा से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रत्येक देवी देवता भी पशु पक्षी और पेड़ पौधों से लेकर प्रकृति के विभिन्न अवयवों के संरक्षण का संदेश देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का विधान इसीलिए प्रारंभ किया था कि गोवर्धन पर्वत पर प्रकृति की अकूत संपदा थी। मथुरा के गोपालकों के गोधन के भोजन पानी की व्यवस्था उसी पर्वत पर थी। आइए हम अपनी परंपराओं की ओर लौटते हुए प्रकृति वंदन करें। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन तथा पर्यावरण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आगामी 30 अगस्त को पर्यावरण, वन एवं संपूर्ण जीव सृष्टि के संरक्षण के लिए प्रकृति वंदन का एक विशेष कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में रखा है। पूरे देश में यह कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से रहेगा, जिसमें हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन मिलेगा। हम अपने घर में रहकर भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। धन्यवाद।